हेलो दोस्तों, पूनम्स किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे इडली। ये इडली बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनकर तैयार होती है। दाल और चावल से बनी इडली बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 3 कटोरी यहाँ पर चावल ले लिया है। आप चावल कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो चावल आप ले सकते हैं। और हम इसे 2 बार धो लेंगे, अच्छे से हम इसे साफ़ करेंगे। हमने चावल को धो लिया है और अब हम इसमें पानी डाल के इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हमें चावल के ऊपर पानी रखना है ताकि चावल हमारा अच्छे से फूल जाए। हम चावल को यहाँ पे 3 से 4 घंटे भीगने के लिए छोड़ देंगे फूलने के लिए। अब हमने यहाँ पर 1 कटोरी दाल ले ली है, ये उड़द दाल है। अगर आपके पास ये छिली हुई दाल नहीं है तो आप छिलके वाली भी दाल ले सकती हैं और उसे भिगाकर साफ़ करके आप इडली में यूज कर सकती हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच मेथी दाना और दाल को भीगने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए, 4 घंटे के बाद चावल हमारा भीग कर फूल गया है। अब हम इसे पीस लेंगे। पीसने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा पानी का यूज करना है, ज़्यादा पानी नहीं यूज करेंगे, नहीं तो बैटर हमारा गीला हो जाएगा। मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से पीस कर तैयार हो गया है ये। अब हम इसी तरह दाल को भी पीस लेंगे। दाल और मेथी हमारी कितनी अच्छे से फूल कर डबल हो गई है। अब हम इसे भी पीस लेंगे। अगर आपके पास मेथी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दाल और चावल से भी इडली बनकर बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो जाती है। हमने दाल को भी पीस लिया है। बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और इसे रात भर के लिए फूलने के लिए हम कपड़े से ढककर रख देंगे। ये देखिए, दाल रात भर हमने दाल और चावल को भिगा कर रख दिया था, कितने अच्छे से जालीदार ये फूल कर तैयार हुआ है। बैटर हमारा डबल हो गया है। यहाँ पे अगर आपका बैटर ऐसे फूल जाता है ना, तो आपको सोडा या फिर इनो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इडली हमारी बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप अगर सर्दियों के मौसम में इडली बना रहे हैं तो आप यहाँ पे गर्म कपड़े से ढककर ही रखिए। अब हम इडली के बर्तन में थोड़ा सा हल्का तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से इडली हमारी बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। अब हम एक एक करके बैटर को डाल देंगे। सांचे में थोड़ा हमें जगह छोड़ देनी है क्योंकि इडली भी हमारी फूल कर बड़ी हो जाती है। ऐसे ही हम सारे सांचे में भर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है नीचे और अब हम इडली को गैस पे रख देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 10 मिनट के लिए हम गैस पे हाई फ्लेम पे रखेंगे गैस को और उसके बाद 5 मिनट हम लो फ्लेम पे रखेंगे। ये देखिए, आप ऐसे ही किसी स्पून से टच कर लीजिए, इडली बनकर बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। अब हम बना लेंगे चटनी।
चटनी के लिए हमने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया है, सिंग दाना छीलकर, 4 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन, और यहाँ पे अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चटनी हमने बना ली है, अब हम इसे तड़का देंगे राई और कड़ी पत्ते से। चटनी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है राई और कड़ी पत्ते से तड़का देने से। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, चटनी हमारी बहुत ही गाढ़ी है। चटनी हमारी बनकर तैयार है, अब हम इडली को निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी स्पंजी हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए सारी इडलियाँ हमारी एक साथ कितनी स्पंजी बनकर तैयार हुई हैं। अब हम आपको एक निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए डबल फोल्ड कर हमारी इडली हो गई है और बहुत ही स्पंजी बनी है। हम इसे अब प्लेट में निकाल लेंगे। इडली हमने निकाल ली है, अब हम चटनी को डाल देंगे प्लेट में। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सीजवन चटनी भी रखा है, क्योंकि इडली में सीजवन चटनी लगा के और ये नारियल और सिंगदाने की चटनी के साथ खाते हैं तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपके पास है तो आप भी सीजवन चटनी का ज़रूर यूज करें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।